हेलो फ्रेंड्स, नई रेसिपी के साथ आपका फिर से वेलकम है कुक विद इमराना में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोल कद्दू की रेसिपी। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक मीडियम साइज का गोल कद्दू लिया है, ये लगभग आधा किलो होगा। अब इसको हम साफ करके पहले धो लेंगे और बिना छिलके उतारे इसका हम बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम पतीली को गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे 1/3 कप मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। मैंने 6-7 कलियां लहसुन की ली हैं, उन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा और 4-5 मैंने सूखी लाल मिर्च ली हैं, उन्हें इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, गैस के फ्लेम को हम लो कर लेंगे और इसमें हम सबसे पहले लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हींग, मिर्चे, जीरा ये तीनों चीज़ ऐड कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को भी हम ऑयल में थोड़ा सा पका लेंगे। गोल कद्दू की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हमने जो गोल कद्दू काट के रखा था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक पका लेंगे। एक मिनट बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक जो डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च डाल के भी हम इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर फिर पकाएंगे। कम मसालों में हमारी एक मज़ेदार सब्जी तैयार हो जाएगी। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। पानी को हम कद्दू में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर हम 6-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए, 7 मिनट हो चुके हैं, कद्दू में जो हमने पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है और कद्दू भी गल चुका है। अब इस तरीके से इसे तोड़ तोड़ के हम भून लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमचूर पाउडर डालकर इसे हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।